जहाँ भी होती है हे मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। शुभ लग्न मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है, दूल्हे की बोली सूरत, दूल्हे की बोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंद गया दामन, चोली से बंद गया दामन, किसी के सपनों के सोला सिंगार की शादी। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरे खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा दे, शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मार पुए कभी कभी बना देना, आज से तेरी सारी सदियां मेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। ओ तेरे कांधों का अंबर, ओ मेरे खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से, आज से, आज से तेरा हो गया। वाह वाह, क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस थी। और आपके परफॉर्मेंस का आनंद रोहू और नेहू बड़े प्यार से उठा रहे थे। आज से मेरा सब नहीं, तो 2 महीने पहले से मेरा सब कुछ आपका हो गया, आपका सब कुछ मेरा हो गया, तो बस यही बात है। अच्छा हमारी बात छोड़ो ना। हाँ जी, मैं दोनों को एक्चुअली इस शो के रोमांस किंग्स का नाम देना चाहूंगी। आप दोनों, मतलब आप दोनों गाते तो रोमांस ना ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा मन कर रहा था कि रोहू और मैं बस ओके बाय बाय, हम घर जाके रोमांस करते, मतलब ऐसा इतना खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां इनके लिए, इनकी सिंगिंग के लिए। प्रेजेंटिंग महाराष्ट्र की अस्मिता अंजलि गायकवाड़।
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में ताने ले रही थी मेरा बार बार मुंह से खुला खुला exactly. अंजलि और अमेजिंग क्या क्या खाती हो तुम पापा क्या खिलाते हैं तुम्हें काश काश की ऐसी सिंगिंग कुछ खाने से आ जाता हम भी खाते आपकी उम्र क्या 15 साल है ना तो आपको शायद ये अंदाजा नहीं होगा लेकिन आप इंडियन क्लासिकल को भारत के जवान पीढ़ी तक आप ले जा सकती हो एब्सोल्युटली यू गॉट एवरीथिंग एवरीथिंग जो लेडी तानसेन हिमेश कहते हैं ना वो एक्चुअली आप हो थैंक यू सो मच यू नो इट्स इनक्रेडिबल इट्स इनक्रेडिबल यू आर मतलब भेजा फट गया वेल डन कांग्रेचुलेशंस अंजलि तुम एक प्रतीक हो तुम हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि हाँ यार ऐसा भी इस जवान पीढ़ी में इस न्यू जनरेशन में कोई बच्चा हो सकता है जो इस लेवल की सिंगिंग करता है और मैंने जितना क्लासिकल म्यूजिक अपने डैडी से जो भी सीखा है उसके मुताबिक ना मैं कंटिन्यूसली यही देख रहा था कि तुम कहीं ना कहीं ज़रूर
मिस्टेक करोगी, बिकॉज लेडी तानसेन अगर नाम दिया है तो तुम्हारी सारी तान पे मेरी नज़र थी और मैं नज़र रखता गया और मैं चूकता गया क्योंकि तुमने कोई मिस्टेक अपनी तान में नहीं की। थैंक यू सो मच। अंजलि, आज फैमिली स्पेशल है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे GTE वाले सिंगर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा लकी आप हैं। आपके पापा आपके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि मम्मी की भी याद नहीं आती कभी। मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पिताजी ये प्यार जो आपको बांटते हैं वो यस मेरे साथ सभी कंटेस्टेंट को ये प्यार बांटते हैं। अच्छा, एक नजर घुमाते हैं सर। अच्छा, सबूत। छह बजे सुबह। चलो बेटा तैयार हो गई, नीचे जाना है, सब रहा देख रहे। अंजलि के पापा ना वो उसके लिए हानिकारक बापू थे, अब हम सबके लिए हानिकारक बापू बन गए। अरे दानिश बेटा, अंकल जी। अरे जब से अंजलि के पापा हैं हमारी पूरी लाइफ जो है सारे कंटेस्टेंट्स की वो बिल्कुल चेंज हो गई है। इसे करके उठाते हैं, नींद भी नहीं खुलती है और यहाँ पे आके मुझे योगा करना पड़ता है हम सबको। क्या तबीयत बनाई आपने? आज हम दोनों को बहुत ज्यादा करवाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि थोड़ा कम करना है अपनी वजन तो गाय के और बढ़ सकता है। क्योंकि सब बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है इनका अगर रूटीन सही हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो यार चिकन विकन खाने वाला बंदा हूँ तो वो ना मुझे चिकन खाने देते हैं। अरे चावल, हमारी जिंदगी जो है वो दाल रोटियों पे चल रही है। तो तला हुआ होता है पापड़ यानी ऑयली। अंजलि तो मेरी बेटी है, उसी तरह यहाँ पर जो भी बच्चे कंटेस्टेंट है सभी मेरे बच्चे समान है। अरे बच्चों, अरे कहाँ गायब हुए सबके सब? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.